चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि ये क्या है। बेसिकली अगर बात करोगे तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स आर द चार्जलेस पार्टिकल एंड रेस्ट मास जीरो, तो ये चार्ज लेस होते हैं। तो अगर जब चार्ज ही फोटॉन पे जीरो है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्यों डिफ्लेक्ट होगा मेरे भाई? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज टू, ये गलत इस बात है, बहुत सही है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात है नहीं। तो एक मिनट, अगर यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले सेकंड पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड। क्या इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड ऐसे रिलेटेड है क्या? चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर बड़ा होता है, और वो इलेक्ट्रिक वेक्टर को ई नॉट सी टाइम्स मैग्नेटिक वेक्टर होता है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, वन अपॉन एप्साइलिन नॉट म्यू नॉट अंडर रूट आ जाएगा ये वाला, और यहाँ से बी नॉट वेक्टर आ जाएगा ये वाला। तो अगर आप देखोगे यहाँ से ये वाली चीज़, तो ये जो चीज़ है ई नॉट बी नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या भाई? तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, यही सही है। बोथ है ट्रू, ये तो गलत है, फर्स्ट इज फॉल्स ये भी गलत है, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।